दोस्तों, आपने स्कारफेस लायन के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी स्कारफेस टाइगर के बारे में सुना है? स्कारफेस टाइगर, जिसका असली नाम है वाग्डो, एक बार जब ये इंडियन गोर का शिकार करने गया, उस दौरान उसके दाहिने आंख में बहुत गहरी चोट आई और वहाँ पे स्कार डेवलप होने लगा और उसी स्कार के आधार पर इसका नाम स्कारफेस रख दिया गया। वाग्डो अपने समय का सबसे विशाल टाइगर था, जिसने दडोबा नेशनल पार्क पर कई सालों तक राज किया, जहाँ किसी भी टाइगर के लिए एक साल तक राज कर पाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए इसे किंग ऑफ दडोबा भी कहा जाता है। वाग्डो ने 2011 में दडोबा के डोमिनियन मेल रान्ना को हरा के वहाँ पे अपना कब्जा जमाया था और वहाँ की क्वीन माधुरी को भी अपना फेवर में ले लिया। वाग्डो माधुरी के साथ अपने बच्चों का भी देखभाल किया करता था और यही बात इसे सबसे खास बनाता था, क्योंकि बहुत ही कम मेल टाइगर ऐसा करता है। वाग्डो जब इतने आराम से अपने फैमिली के साथ दिन गुजार रहा होता है, उसी बीच वहाँ पे बजरंग नाम के टाइगर का एंट्री होता है और तब दिन ब दिन इन दोनों के बीच कंफ्लिक्ट बढ़ने लगा और उसी दौरान माधुरी ने उस इलाके को छोड़ जाने का फैसला कर लिया। फिर वाग्डो भी बिना लड़े ही अपने इलाके को छोड़ के माधुरी के पीछे पीछे चल दिया। दोस्तों, इस टाइगर के आशिकी के लिए एक लाइक तो बनता है।